तीन के कॉलेजेस नहीं बनाए, तो निज़ाम सरकार हमेशा हेल्थ और एजुकेशन पे उन्होंने बहुत अहमियत दी। उसी की वजह से आज हमें वुमेंस मेडिकल वुमेंस कॉलेज भी दिख रहा है, उस्मानिया भी एक हॉस्पिटल दिख रहा है, जिस्म के हर पार्ट का एक दवाखाना है, कैंसर का है, टीबी का है, हड्डियों का दवाखाना है, चेस्ट का हॉस्पिटल है, यानी हर जिस्म के हर आज़ा का एक दवाखाना उन्होंने बनाकर एक विजनरी एक इनकलाबी शख्सियत के ऐसा उन्होंने यहाँ के दक्कन के आवाम के साथ जो काम किया है। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी ने डिमांड किया है कि खाली सरकारी एजाज देना कोई बड़ी बात नहीं है, आज उनके रखे हुए जायदादें बेचकर तेलंगाना हुकूमत बेहिसाब पैसा कमा रही है, उनका एक ऐसा असेंबली में चर्चा करके उनका नाम परमानेंट रहा जाए जिससे हर तबके के लोग वहाँ पर वो मॉन्यूमेंट से फ़ायदा उठा सकें, ऐसा बड़ा एक उनके नाम पे बनाने के लिए तजवीज़ हुकूमत सबसे मंगाए और असेंबली में डिस्कस करके बड़े पैमाने पे हमेशा रहें। और ये भी है कि जब तक हैदराबाद का नाम रहेगा निज़ाम सरकार के खिदमत निज़ाम सरकार का भी नाम रहेगा।